हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला रसोई। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोमोज़ की रेसिपी। आप बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ घर पर बनाकर तैयार कर सकती हैं, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ बनाने का तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको मोमोज़ की रेसिपी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मोमोज़ की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। वेट में मेज़र करेंगे तो ये 300 ग्राम है। और 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून तेल लेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और 1 कप मैंने फ्रीज का बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। ठंडा पानी से डो तैयार करने से जो मोमोज़ की ऊपरी परत होती है वो फटती नहीं है स्टीम करते टाइम, तो आप फ्रीज का ठंडा पानी लीजिएगा, नॉर्मल पानी ना लीजिएगा। सबसे पहले हमें मैदे में नमक ऐड कर देना है और तेल ऐड कर देना है और इन सभी को हमें हाथों से बहुत अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरह आप इसे बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा जिससे कि नमक पूरे मैदे में मिल जाए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। ना इसका हमें बहुत हार्ड डो तैयार करना है ना बहुत सॉफ्ट डो तैयार करना है, बस इसका हमें मीडियम डो तैयार कर लेना है। तो हाथों से पंच लगा लगा कर आप इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंद लीजिएगा। तो डो को मैंने तैयार कर लिया, अब इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और इसके स्टफिंग के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसमें 1 कप पत्ता गोभी लिया है जिसे ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लिया है। तो आप इसे कद्दूकस के मोटे वाले साइड से कद्दूकस कर लीजिएगा। और 1 लार्ज साइज का गाजर लिया जिसे कद्दूकस कर लिया है और 1 स्मॉल साइज का प्याज लिया जिसे बारीक बारीक कट किया है, आप इसे भी कद्दूकस कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक लिया था जिसे ग्रेट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च है जिसे बारीक बारीक कट कर लिया है और हरी प्याज ली थी जिसके हरे पार्ट को भी कट कर लिया है और वाइट पार्ट को भी कट कर लिया है। 1 टीस्पून नमक लेंगे और 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून मैंने तेल लिया है। सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बोल में सभी सब्जियों को ऐड कर देना है। तो इस तरह मैंने सभी सब्जियों को ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें नमक और काली मिर्चों के पाउडर को ऐड कर देना है और इसे बहुत अच्छे से मिला लेना है और इसे मिलाकर हमें 4-5 मिनट तक इस तरह छोड़ देना है जिससे कि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए और साथ ही में इसमें हमें तेल भी ऐड कर देना है। तो अब इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब एक हमें कॉटन का कपड़ा लेना है और नीचे एक बोल रखना है, उस पर हमें सभी सब्जियों को डाल देना है और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें निकाल देना है। तो इस तरह एक कपड़े की मदद से आप इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दीजिएगा। अगर इसका पानी हम नहीं निकालेंगे तो स्टफिंग करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह आप इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हाथों से दबाकर निकाल दीजिएगा और बहुत ज़्यादा पानी ना निकालिएगा, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहने दीजिएगा। तो इस तरह मैंने इसमें से पानी निकाल लिया, अब इसे एक बोल में हम डाल देंगे। तो स्टफिंग हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और इधर डो भी हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे और इस तरह सभी का बॉल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत छोटा छोटा सा आप इसमें से पोर्शन लीजिएगा और इस तरह सभी बॉल्स को रेडी कर लीजिएगा। तो अब चलिए इसे हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इस तरह इसे हमें रोल कर लेना है, इसे आप जितना बारीक हो सके रोल कर लें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ से इसे आप बिल्कुल बराबर रोल करें, ये नहीं कि कहीं पतला हो जाए कहीं मोटा हो जाए। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसे रोल कर लिया है, जितना बारीक हो सके आप इसे रोल कर लें।
तो मोमोज को आज हम आपको 3-4 मेथड से बनाकर दिखाएंगे। तो जैसा आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड से मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हम सभी को बेल लेंगे पहले, उसके बाद इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और मोमोज का शेप देंगे। तो फर्स्ट मेथड से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें स्टफिंग रखना है और इस तरह इसके चारों तरफ हमें पानी लगा देना है। पानी लगा देंगे तो इसकी फिलिंग्स बाहर नहीं आएगी और इस तरह इसे हमें फोल्ड कर देना जैसे हम गुजिया वगैरह फोल्ड करते हैं, और बस इसके इस पार्ट को लाकर इस पार्ट में मिला देना है। ये देखिए, इस तरह इसे हमें एक पार्ट को लाकर दूसरे पार्ट में मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरह हमारा मोमोज बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम सेकंड मेथड से आपको मोमोज बनाना दिखाते हैं। तो इस तरह एक हम रोटी लेंगे, उस पर हमें मोमोज की फिलिंग्स को रखना है और इस तरह एक के ऊपर एक परत हम चढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह हमें 3-4 परत एक दूसरे पे चढ़ानी है और इस तरह ला के इसमें चिपका देना है। तो सेकेंड मेथड से भी हमारा मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार है। और आप इसके किनारे ज़रूर से पानी लगा दीजिएगा, नहीं तो स्टीम करते टाइम ये खुल जाते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड मेथड से आपको मोमोज बनाना दिखाते हैं। तो इस तरह आप इस पर फिलिंग्स रखिएगा और इस तरह ये देखिए, इस तरह आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा चारों तरफ से। ये देखिए, एक के ऊपर एक परत चढ़ाते जाइएगा इस तरह। जब सारी परतें लग जाएंगी तो बस इसे हमें ऊपर से ऐसे मोड़ देना है। तो ये देखिए, थर्ड मेथड से भी हमारा मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मोमोज को हमें स्टीम कर लेना है। इस मोमोज को बनाने के लिए मैं कोई स्टीमर वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। घर में जो बर्तन अवेलेबल होते हैं उसी से इस मोमोज को हम स्टीम करेंगे। तो एक भगोने में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। 3-4 कप पानी ले लीजिएगा और ये देखिए, जिसमें हम सब्जी धुलते हैं वही ये छन्ना है। तो ये तो सभी के पास अवेलेबल होता है, तो आप इस तरह एक छन्ना ले लें और उबलते हुए पानी के ऊपर इस तरह छन्ने को रख दें और छन्ने पर आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा और इस तरह मोमोज को इस पे रख दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिएगा, एक दूसरे में चिपका के ना रखिएगा, नहीं तो निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसे थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दीजिएगा। जब इसमें से बहुत अच्छा सा भाप आने लगे तो इस पे हमें कैप लगा देनी है और मैं इस पे थोड़ा सा आटा लगा दे रही हूँ जिससे कि स्टीम बाहर ना आए। तो अब इसे गैस की फ्लेम को लो करके तकरीबन 10 मिनट तक इसे हमें स्टीम कर लेना है। 10 मिनट गैस की फ्लेम को लो करके इसे मैंने 10-12 मिनट तक स्टीम कर लिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो मोमोज हमारा बिल्कुल परफेक्टली स्टीम हो चुका है। इसकी पहचान ये है कि आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग बाहर से दिखने लगी है और मोमोज हमारा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। तो इस तरह आप देख लीजिएगा, मोमोज हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा, घर के बर्तन में मैंने इसे स्टीम किया है। तो आपका जब मोमोज खाने का मन हो तो इस तरह आप घर के बर्तन में स्टीम करके मोमोज बहुत आसानी से घर में बना सकती हैं। और आप इसे बहुत सावधानी से निकालिएगा, नहीं तो जलने का डर रहता है क्योंकि भाप नीचे से निकलती रहती है। तो ये ली डिलीशियस और टेस्टी मोमोज हमारा घर पर बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरह इसे मोमोज की चटनी के साथ सर्व करिए। मोमोज की चटनी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज आप घर पर बना सकते हैं बिना स्टीमर के। तो इस तरह आप मोमोज घर पर बनाइए, खाइए और अपने फैमिली वालों को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।